guys, welcome back to my channel. So today we are going to explore मामा भांजे हिल्स. मामा भांजे हिल्स ये थाने में लोकेटेड है और बहुत ही बढ़िया प्लेस है और हम लोग करने वाले हैं ट्रेकिंग. तो ये मेरे ट्रेकिंग का फर्स्ट वीडियो रहेगा. और हाँ गाइज, मैंने हेयर कट किया है. पता है मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन और गाइज मेरे जो फ्रेंड है वो मेरा वेट कर रहे हैं स्टेशन पे और ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो गया. तो निकलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं. फाइनली हम लोग थाने पहुंच गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मामा भांजे हिल्स. और सर्विस तो एक्साइटेड है क्या? यस, वेरी एक्साइटेड. तो चलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. सो गाइस, गूगल मैप ने तो हम लोग को धोखा दे दिया है. अभी हम लोग ने यहाँ के जो रेसिडेंशियल एरिया वाले हैं उनसे पूछा है, तो उन्होंने हम लोग को एक एड्रेस बताया है कि यहाँ से जाना पड़ेगा. तो हम लोग अभी वही रूट पे चलते हैं. अभी तक एंट्रेंस नहीं आया है मामा भांजे का, तो देखते हैं, चलते हैं. चेकआउट द व्यू गाइस. अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो भी इतना ब्यूटीफुल व्यू मिल रहा है. चलते फिर. गाइस अभी हम लोग गेट तक पहुंचे नहीं है. और अरे ये क्या है, दो दो रास्ते, लेफ्ट या राइट? सर्वेश राइट, राइट इज ऑलवेज राइट. राइट इज ऑलवेज, पर अगर रॉन्ग हो गया तो क्या करते? एक काम कर, तू लेफ्ट में जा, मैं राइट में जाता हूँ. नहीं तो एक राइट ही जाते. चलो राइट जाते. तो गाइस शायद से वहां पे गेट है. तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गेट पे. ये है मामा भांजे का गेट. सो गाइस अभी हम लोग ने 10 मिनट का ट्रैक कवर किया है और 10 मिनट के ट्रैक पे ही हम लोग को इतना अच्छा व्यू मिल गया है. गाइस हम लोग ने यही जंगल से रूट स्टार्ट किया था, वहां से हम लोग ने स्टार्ट किया था और अभी यहाँ तक आ गए हम लोग. और अभी मंजिल बहुत दूर है. सो गाइस सिंस 1 आवर वी आर ट्रैकिंग और बहुत ज्यादा ही थक गए है. सर्वेश तू थक गया क्या? नहीं, सही है, बहुत स्टेमिना दे रहे. यहाँ से व्यू तो नहीं दिख रहा है गाइस, जंगल है पूरा. अब देखते, वहां पे एक आदमी मिला था, उन्होंने बताया कि कुछ हाफ एन आवर लगेगा और देखते फिर. और गाइस ट्रैक इतना हार्ड नहीं है, मतलब ठीक है ना सर्वेश? इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, पर एक है, मच्छर बहुत काट रहे हैं, जंगली मच्छर बहुत काट रहे. गाइस अनफॉर्चुनेटली रेन हैज बीन स्टार्टेड. ठीक है, आप दे सकते हैं सर्वेश को, वो एक पेड़ का सहारा लेके भीगने से बच रहा है सर्वेश. गाइस रेन हैज बीन स्टॉप और यहाँ से व्यू देखो. अभी हम लोग पहुंचे नहीं है, सब फॉग है इसलिए कुछ क्लियर दिख रहा नहीं है अभी. और बाकी है ट्रैक. सर्वेश थक गया क्या? तो गाइस व्यू बहुत ही बढ़िया मिलते जा रहा है. अभी और शायद से 20 मिनट का रास्ता रह गया है ट्रैक का. गाइज मैं कैमरा में खुद को ले रहा नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही थक गया हूँ और बहुत ज्यादा ही हालत बेकार हो गई है. पूरा पसीने से भीग गया हूँ मैं. गाइज मामा भांजे की जो स्टोरी है वो एक्चुअली ऐसे है कि यहाँ पे उन दोनों का जो कबर है वो रखा गया है. ये साइड भांजे का है और ये साइड मामू का है. तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से साइड जाए. यहाँ पे रास्ते तो बहुत अच्छे दिख रहे. सो गाइज यहाँ पे है भांजे का कबर और यहाँ पे है मामू का कबर. तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से साइड जाए. गाइज तो हम लोग अभी फिलहाल शूट कर रहे हैं और व्यू बहुत ही अच्छा है इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे शूट कर रहे हैं. अभी तो हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि मामा के कबर के यहाँ जाए कि भांजे के यहाँ पे. व्यू तो बहुत ही बढ़िया है. सो गाइज हम लोग ने डिसाइड किया है कि मामा की जो कबर है वहां पे हम लोग जाएंगे. तो ये हो रूट.
चलते सर्विस है ना, चलो। सो गाइज ये है रूट जाने के लिए, और गाइज व्यू चेक करो, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे एक ना एक बार विजिट कीजिए गाइज, बहुत ही बढ़िया। सो गाइज वहाँ पे है मामू का कब्र, और फिर कुछ 15-20 मिनट लगेंगे हम लोगों को, चलते। गाइज आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया व्यू मिल रहा है यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया चल रही है। बोलते गाइज यहाँ पे एक बार विजिट कीजिए, अभी हम लोग जा रहे हैं मामा के कब्र के पास, कुछ वहाँ पे है, तो चलते हैं। मोबाइल भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। चेक आउट व्यू गाइस। गाइस हवा बहुत ही जोरों से चल रही है, और हम लोग वहां से आए थे, वो रहा भांजे का दरगाह, और हम लोग यहाँ से कुछ एंट्रेंसेस आए, हवा बहुत ज्यादा ही चल रही है, मोबाइल नहीं पकड़ पा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया मिल रहा है, देखो आप, ये प्लेस बहुत ही वर्थ है गाइस, प्लीज एक बार विजिट कीजिए, बहुत ही बढ़िया प्लेस जगह है। हम लोग को टाइम के हिसाब से हम लोग को नीचे आना पड़ेगा, नीचे का जो कब्र है वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे बताया गया था कि टाइम 5 के अंदर ही हम लोग को कवर करना पड़ेगा पॉइंट, तो अभी टाइम तो बहुत हो गया, तो हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं, चलते। पर मजा तो बहुत आया है ना सर्वेश? हाँ बहुत मजा आया यहाँ पे, बहुत गाइज फाइनली हम लोग नीचे पहुंच गए हैं, और हमारे पैर का जो है वो एक तरह से कुचुम्बर बन गया है, तो अभी शायद हम लोग आगे नहीं चल पाएंगे। फिर भी गाइज आज फ्रेंडशिप डे, इसलिए हम लोग को आज आगे का प्लान सेलिब्रेट करना है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जाना है सर्वेश? KFC या फिर मैकडी, देखते फिर, भूख तो बहुत जोरों से लगी है, तो चलते है। सो गाइज राइट नाउ वी आर इन विवियाना मॉल, और बहुत ज्यादा ही भूख लगा है, तो हम लोग अभी रुक रहे कहाँ पे, तो और फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करेंगे ना सर्विस, फ्रेंडशिप डे चलते। तो गाइज हम लोग कुछ इतना खा रहे हैं, और ये फ्रेंडशिप डे का सेलिब्रेशन, बहुत भूख लगा है इसलिए अभी खाते। गाइज सो फाइनली आई एम बैक टू होम, और एज ऑलवेज बहुत ही ज्यादा थक गए है। तो गाइज आज का ब्लॉग यही खत्म होता है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो एज ऑलवेज गाइज एंजॉय द डे, एंजॉय द लाइफ, बाय।